हेलो एवरीवन, आज हम लोग केस स्टडी करेंगे, कॉम्बो केस स्टडी, मिक्स वाली केस स्टडी, जिसमें हम रिक्रूटमेंट के बारे में सारी टॉपिक्स कवर करेंगे, केस स्टडी वाली और सिलेक्शन की भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 11 में मैंने सबसे पहले आपको बताया था, आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है, विच टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट, कौन सी टाइप के रिक्रूटमेंट, मतलब इंटरनल या फिर एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। ठीक है, विच स्पेसिफाइड टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट, मतलब जो आपने ऊपर में रिक्रूटमेंट को आइडेंटिफाई किया है उसका कौन सा टाइप बताइए। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो भी आपने रिक्रूटमेंट किया उसका एक बेनिफिट बता दीजिएगा और आइडेंटिफाई डिफरेंट टेस्ट गिवन इन द अबव केस, और आपको डिफरेंट टेस्ट बताना है, सिलेक्शन टेस्ट जो कि पैराग्राफ में दिया गया है। तो सबसे पहले हमारे पास है टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में। देखो, थ्रू द कंपनी एक्स वाई जेड हैज स्टार्टेड सी रिक्रूटमेंट टाइमली। ठीक है, एक्स वाई जेड ने लोगों को इकट्ठा करना चालू कर दिया टाइम से। द प्रोसेस इज टेकिंग लॉट ऑफ टाइम, प्रोसेस जो है बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। द अर्लियर मेथड यूज बाय द कंपनी नीडेड चेंज, कंपनी चाहती है कि जो पहले वो यूज करती थी मेथड उसको चेंज कर दे। देयर फॉर इट हैज डिसाइडेड टू यूज इंटरनेट। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, मैंने पहले ही आपको एक हिंट दे दिया, इंटरनेट। तो कंपनी ने सोचा यार चलो अब इंटरनेट के थ्रू क्या करते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं। फॉर इट्स हेल्प सो दैट इट कैन गेट अ क्वालिफाइड पर्सन, जिसकी हेल्प से उन्हें अच्छे एम्प्लॉयमेंट, अच्छे एम्प्लॉयज मिल जाएंगे। द ऑर्गेनाइजेशन नोज दैट इट्स चैलेंजेस आर नॉट गोइंग टू बी ओवर, ऑर्गेनाइजेशन को पता उसके चैलेंजेस ओवर नहीं होंगे। इट डिसाइड्स टू हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ गुड क्वालिटी टेस्ट एट द स्टेज ऑफ सिलेक्शन। तो ऑर्गेनाइजेशन ने सोचा कि यार एक काम करते हैं, हम ना टेस्ट भी लेना चालू कर देंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन ने सबसे पहले टेस्ट ए लिया। टेस्ट ए विल इन्वॉल्व मेजरिंग द एबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयज टू लर्न न्यू स्किल्स, एम्प्लॉयज टू लर्न न्यू स्किल्स। दिस टेस्ट कैन समहाउ फोरटेल द एबिलिटी टू ऑफ एन इंडिविजुअल टू डेवलप। फोरटेल का मतलब है फ्यूचर में, फोरटेल का मतलब है फ्यूचर में उसकी लर्निंग एबिलिटी को डेवलप करना। फिर टेस्ट बी ये कह रहा है विल इन्वॉल्व मेजरिंग द करेंट एग्जिस्टिंग स्किल, कि एम्प्लॉयज की एग्जिस्टिंग स्किल क्या है। ठीक है, दी स्किल्स आर वन ऑफ द ऑलरेडी पोजेस्ड बाय द एम्प्लॉयज, और ये स्किल्स ऐसी है जो उसने पहले से अपने पास रखी है। टेस्ट सी में क्या है, टेस्ट सी विल चेक द एप्लीकेंट्स रिएक्शंस टू इमोशंस, इवेल्युएटिंग वैल्यू बेस्ड इमोशंस, इवेल्युएटिंग वैल्यू बेस्ड एंड मैच्योरिटी इवेल्युएटिंग क्वेश्चन। अब मैं आपको अगर मैं बताऊँ तो आप रिक्रूटमेंट पढ़ के रखे हो, अगर मैं यहाँ पे वेब्स, ये देखो इंटरनेट के बारे में पूछा है। ठीक है, इंटरनेट इंटरनेट, तो यहाँ पे आपको पता है, मैंने आपको वेब पब्लिशिंग में बताया था वेबसाइट, वेबसाइट चलाने के लिए क्या जरूरत है, आपको इंटरनेट की जरूरत है। ठीक है, तो इस तो ये क्या एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट का पार्ट है। ये देखो, आप देखोगे अगर आप नोट्स अच्छे से देख लोगे मेरे, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना सबसे पहले क्या आएगा, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट आया। ठीक है, अब कह रहा है कि कौन से टाइप का रिक्रूटमेंट है। देखो, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में कौन सा टाइप का था, वेब पब्लिशिंग। देखो, वेब पब्लिशिंग भी आ गया। ठीक है, अब वो पूछ रहा है आपको इसका कोई भी बेनिफिट बता देना। ठीक है, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का मैंने आपको बेनिफिट भी बताया यहाँ पे। देखो, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का एडवांटेज, इनमें से कुछ भी लिख देना। और फिर आपको पूछा है कि कौन कौन से टेस्ट जो है इनमें से है। देखो, अगर मैं आपको ले जाऊं सिलेक्शन के टॉपिक में, तो ये देखो मैं सिलेक्शन के टॉपिक में आ गया हूँ। अब आप देखोगे यहाँ पे क्या है, लर्निंग न्यू स्किल फॉर फ्यूचर। देखो, एप्टीट्यूड टेस्ट में अगर आप मेरे नोट्स देखोगे अच्छे से बना लोगे, तो फ्यूचर में हम एक एम्प्लॉय की लर्निंग पावर क्या है, तो आप इसका आंसर देखोगे तो आपको इसका आंसर एप्टीट्यूड टेस्ट मिलेगा। ठीक है, अब एग्जिस्टिंग स्किल ऑफ द एम्प्लॉयज, देखो ट्रेड टेस्ट ऐसा है जिसमें आप एग्जिस्टिंग स्किल ऑफ एन इंडिविजुअल आप इसको चेक करते हो। तो देखो, दूसरे का आंसर आ गया ट्रेड टेस्ट। अब आपको कह रहा है अब देखो आपको कह रहा है उसकी हर चीज, उसके इमोशंस के बारे में, उसके वैल्यू बेस्ड, उसकी मैच्योरिटी। तो ये क्या ह्यूमन बिहेवियर को डिनोट करता है, तो यह क्या आ गया, पर्सनालिटी टेस्ट आ गया। ठीक है, तो बच्चों बहुत इजी है, नोट्स मेरे अच्छे से बना लेना। ठीक है, बहुत फायदेमंद होंगे। देखो, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 में सबसे पहले आपको देखना है क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ एनालिसिस इज डन बाय शमीला। एक नंबर क्या है, विच प्रोसेस स्टार्टेड बाय शमीला, शमीला ने कौन सा प्रोसेस किया। एक नंबर का मतलब एक वर्ड में आपको आंसर देना है। और थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। इस क्वेश्चन, इस पैराग्राफ में आपको बहुत सारे सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट दिए गए, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट,
जो कि तीन दिए गए हैं, आपको तीन बताना है। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, मार्क्स देख लिए, अब हम पढ़ते हैं पैराग्राफ। देखो, शमिला इज अ वेरी एबल एचआर मैनेजर। शमिला जो है ये ह्यूमन रिसोर्सेज की मैनेजर है। इज कॉल्ड बाय हर बॉस, उसे उसके बॉस ने बुलाया, और ही टेल्स हर टू जज वेदर देयर इज अ अंडर मैनिंग और ओवर मैनिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बॉस ने उसे बुलाकर कहा कि तुम चेक करो, अंडर मैनिंग मतलब होता है अंडर स्टाफिंग, मतलब लोगों की कमी तो नहीं है, ओवर मैनिंग मतलब ओवर स्टाफिंग, मतलब लोग जितने होने चाहिए उससे ज्यादा तो नहीं है। ठीक है, उसके बॉस ने उसे बोला कि चेक करने के लिए अंडर मैनिंग है ओवर मैनिंग तो नहीं है। शी टेक्स हर वर्क सिंसियरली एंड फाइंड्स आउट दैट द टोटल नंबर ऑफ द एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन इज लेस देन द रिक्वायर्ड। तो ये क्या होगा बच्चों, ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा, बहुत पहले पढ़ा दिया था। इसका मतलब है वर्कफोर्स। ठीक है, ये वर्कफोर्स एनालिसिस कर रही है। ठीक है, जो अगर आपने नोट्स पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। अब हम लोग ने पहला वाला लोग ने देख लिया। ठीक है, प्रोसेस इज स्टार्टेड बाय शमिला। शमिला ने कौन सा प्रोसेस स्टार्ट किया, देखो, देन शी स्टार्ट्स अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग 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 पोटेंशियल एम्प्लॉयज फॉर द, उसने सर्च करना चालू कर दिया, मतलब लोगों को इकट्ठा करना चालू कर दिया। तो रिक्रूटमेंट कर रही है, क्या कर रही है, रिक्रूटमेंट कर रही है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। देखो, शी गोज टू वेरियस एमबीए कॉलेज टू फाइंड आउट न्यू टैलेंट। अब मैं आपको सिलेक्शन के टॉपिक में लाता हूँ। सिलेक्शन 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 का टॉपिक आ गया। देखो, सिलेक्शन में बहुत सारे मैंने आपको बताए थे। यार किधर गया, देखो, वे एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का पार्ट, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का पार्ट। हाँ देखो, कैंपस, देखो कहाँ था, हाँ एमबीए कॉलेज, मतलब क्या करता है, बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस में जाता है, इंस्टीट्यूट में जाता है एम्प्लॉयज, जो आपने पढ़ के रखा है तो आपको पता होगा बच्चों। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कैंपस रिक्रूटमेंट। ठीक है, क्योंकि कैंपस रिक्रूटमेंट एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का पार्ट है, जहाँ पे कंपनीज क्या करती है, बड़े बड़े कॉलेजेस में जाती है और वहां से अपने एम्प्लॉयज को चुनती है। शी टॉक्स टू द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट कैंडिडेट इन देयर नोन नॉलेज हाउ कैन बी रिक्रूटमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे देखना, शी टॉक्स टू द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, जो पहले से कंपनी में काम करे वो उनसे पूछती है अबाउट कैंडिडेट्स इन देयर नॉलेज हु कैन बी रिक्रूटेड इन द ऑर्गेनाइज, वो अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से पूछती है कि तुम्हारे रिलेशन में कोई फ्रेंड है या कुछ भी है जो हमारी वैकेंसी को फुलफिल कर सकता है कि नहीं। अगर मैं आपको बताऊँ, देखो यहाँ पे मैंने रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयज में आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, जो कंपनी में पहले से काम कर रहे होते हैं उन बंदों से पूछते हैं कि बेटा हमें काम करने के लिए कुछ और लोग चाहिए, तो तुम्हारे जान पहचान में कोई लोग है कि नहीं, तो ये एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज आपको बता देते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट शो कर रहा है, ये किसको शो कर रहा है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज रिकमेंडेशन। देखो, रिकमेंडेशन फ्रॉम अ प्रेजेंट एम्प्लॉयज। अब एक थर्ड पॉइंट हमारे पास, शी आस्क्ड फॉर अ डाटा बेस ऑफ कैंडिडेट हु हैड अप्लाइड लास्ट ईयर बट कुड नॉट मेक इट टू द ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो, इसका ना कैजुअल कॉलर्स होगा। देखो, हम क्या करते हैं, जितने भी एप्लीकेशन है ना जॉब सीकर्स के, वो कलेक्ट कर लेते हैं और कंपनी में रजिस्टर कर देते हैं, और अगर फ्यूचर में कंपनी को लगता है कि यार और लोग चाहिए, तो वो रजिस्टर खोलते हैं, उसमें नाम देखते हैं और उनको ले लेते हैं। तो देखो, वही चीज लिखा है, शी आस्क्ड फॉर अ डाटा बेस ऑफ द कैंडिडेट हु अप्लाइड लास्ट ईयर, जिन्होंने पहली पिछली बार लगाया था बट नॉट मेक इट इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बच्चों देखोगे कैजुअल कॉलर्स की बात कर रहा है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आज के साथ इतना ही, मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो क्वेश्चंस बच्चों ऐसे ही आएंगे, नोट्स अच्छे से कर लेना, आप इजिली वो सारी चीज़ें आप कर लोगे, तो आराम से स्टेप बाय स्टेप, पार्ट बाय पार्ट आप सब चीज़ें देखते जाना, आप इजिली कर पाओगे। ठीक है, चलिए, बाय, एंजॉय, टेक केयर, एंड चीयर्स।